गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक किया। सेकंड वीडियो के अंदर हम ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसके बाद हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का ये है, ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट द एंड। ट्रेकिया जो है दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट, जो कि क्या होता है वो ब्रोंकाई, और ये कहां होता है लास्ट में। ट्रेकिया की स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है हमारे राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई एट द एंड। कहां पर पाई जाती है, एट द एंड, ट्रेकिया के एंड पर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई क्या होती है पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी ब्रोंकाई स्प्लिट इनटू स्मॉल ब्रांचेस। प्राइमरी जो ब्रोंकाई है वो स्मॉल क्या होती है ब्रांचेस में बदल मतलब स्प्लिट हो जाती है, व्हिच आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये ब्रांचेस जो है क्या कहलाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, आफ्टर रीचिंग इनटू द लंग्स। जब ये ब्रांचेस जो है लंग्स में पहुंच जाती है तब ये क्या कहलाती है, हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाती है। थर्ड पॉइंट, इन ईच पार्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई स्प्लिट इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, और हर उस पार्ट के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो वापस स्प्लिट किसमें हो जाती है, थर्ड जो टर्शियरी है, टर्शियरी ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। यानी कि एक उसका पार्ट प्राइमरी, फिर उसके साथ एक और जुड़ता है सेकेंडरी, और वही वापस आगे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कि टर्शियरी ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, वो इससे डिवाइड हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉर्मेशन आगे से आगे होता रहता है। फोर्थ पॉइंट, ईच टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल ब्रोंकियल्स। टर्शियरी जो ब्रोंकाई है लास्ट वाली, उसके अंदर वापस छोटे 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 ब्रोंकियल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। These bronchioles are distributed all over the lungs. और ये जो bronchioles हैं छोटे 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 छोटे, वो जो है all over the lungs में क्या होते हैं, divided होते हैं। Fifth point, each bronchioles further divided into terminal bronchioles. और उस bronchioles जो मैंने बताया था अभी छोटे छोटे, वो वापस divided किसमें हो गए हैं, terminal bronchioles। वापस further divided होते हैं। उनके भी वापस क्या होता है, dividation होता है, और वो जो dividation होता है काम क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज, एटमॉस्फेयर से आने वाली ऑक्सीजन
जो हम लेते हैं नोज के माध्यम से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस रिलीज करते हैं। तो ये एल्वियोली का क्या होता है, वहाँ पर भर होता है। इस वीडियो के अंदर हमने ब्रोंचाई और ब्रोंचोस के बारे में अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट उसका ये है लंग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स के बारे में हम क्या करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से जानेंगे। थैंक यू सो मच।